हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बात करना था माइक्रो इकोनॉमिक्स का। आज माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक पढ़ने के पीछे का हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर दूं। दो ऑब्जेक्टिव है आज ये इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर को पढ़ने का। फर्स्ट, एक तो हम लोगों का जो प्रोफेशनल कोर्स है लाइक सीए या सीएस या सीएमए का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है। जैसे कि करेंट जो सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, उसमें भी इकोनॉमी को लेके एक बहुत बड़ा एक चिंता है दुनिया भर में सबको, फ्रॉम इंडिविजुअल से लेके प्रेसिडेंट तक सबका चिंता है कि इकोनॉमी का क्या होगा। इसीलिए ये आप लोगों के लिए एक रिविजनरी क्लास भी होगा, स्पेशली जो लोग मेरे पास लाइव में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो लोग और भी सुन रहे हैं उनके लिए नया बात है, लेकिन बात एकदम सेम है कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स को डिटेल्स में थोड़ा जानना है। चलिए, दूसरा कुछ बात करने से पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा अच्छे से पहचान लेते हैं। थोड़ा देखने में से लग रहा है थ्योरेटिकली, लेकिन प्लीज़ गहराई से बात को सुनना। मुझे लगता है कि बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। मैं कोशिश करूंगा अपने हिसाब से जितना हो सकता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखते हैं इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है दैट इज जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। इज जनरल डेफिनेशन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल एंड सोशल चॉइस इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी। मतलब ये जो करेंट सिचुएशन है ये भी एक स्कार्सिटी सिचुएशन है, क्योंकि पूरा दुनिया कोरोना या कोविड-19 सिचुएशंस में एक बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। उसके साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस तो है ही, मतलब लोगों का जॉब जा गया चला गया, जिसके पास जॉब था वो भी प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है, जो इनकम है गवर्नमेंट का भी, मतलब जो जिनको जो पेमेंट करना था वो भी उनको स्टॉप करना पड़ा, बाकी जिनको जहाँ से जो भी मिलता है ईच एंड एवरी जगह से उनका पेमेंट भी अटका हुआ है। तो हर तरह से पूरा दुनिया भर में लोग अपने जगह में फंसा हुआ है, हर एक का इनकम लेवल में प्रॉब्लम है। तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि स्कार्सिटी सिचुएशन हम लोग क्लास में पहले बात करते थे, लेकिन अभी हम लोग पूरा देख रहे हैं कि सिचुएशन एक्चुअल में क्या होता है, ये भी भगवान ने हम लोग को दिखा दिया। जो भी हो, द लॉ ऑफ स्कार्सिटी इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। कंज्यूमर वांट्स विल नेवर बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, दैट मीन्स स्कार्सिटी तो है, लेकिन क्या हम लोगों का डिमांड या वांट्स सेटिस्फाइड हो जा रहा है? हम लोगों का वांट्स या डिमांड कंप्लीटली सेटिस्फाई होना इतना आसान नहीं है। इतना स्कार्स में भी हम लोग सोच रहे हैं कि अपना पढ़ाई कैसे करें, अपना रेगुलर घर का गुजारा कैसे चलाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक नीड्स है जैसे कि फूड, क्लोथ्स, ये तो बेसिक नीड्स है। उसके बाद आज के डेट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज हेल्थ, है ना। जो हेल्थ सेक्टर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आज के डेट में अगर किसी को कुछ भी चीज़ चाहिए दैट इज सबसे पहले उनको फूड का सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद उसको कपड़ा या क्लोथ का सिक्योरिटी चाहिए, एंड आफ्टर दैट उनको हेल्थ सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। एंड आफ्टर दैट अगर थोड़ा सा कुछ होता है दैट इज़ वो अपने पढ़ाई के बारे में, एडुकेशन के बारे में, क्योंकि फ्यूचर तो रुकेगा नहीं, तो ऑब्वियसली पढ़ाई एक इंपॉर्टेंट, एडुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू टू रीजंस। एक ये जो इंसान का अनलिमिटेड वांट्स है इसलिए, एंड दूसरा स्कार्स रिसोर्स। आप लोग देख ही पा रहे हो पॉइंट नंबर 1 एंड 2, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कार्स रिसोर्स। रिसोर्स कमती है लेकिन उसमें अनलिमिटेड वांट्स को किस तरह से हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड्स। ये जो इकोनॉमिक्स का वर्ड है ये ओइकोनोमिया वर्ड से आया है। ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओइको मतलब हाउस होल्ड एंड नोमिया मतलब मैनेजमेंट। ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड में ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट किस तरह से कर पाएंगे करेंट क्राइसिस सिचुएशंस में, उसका भी थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो मैटर है उसको भी थोड़े डिस्कशंस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जिसके जिसके बात छोड़ के हम लोग इकोनॉमिस्ट के लेके चर्चा नहीं कर सकते उनके बारे में कुछ बात करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एडम स्मिथ का, क्योंकि हम लोग थोड़ा यूरोपियन सिस्टम से पढ़ाई करते तो एडम स्मिथ का नाम लेके बिना हम लोग चल नहीं सकते। लेकिन इंडिया में हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए कि इंडिया में अगर इकोनॉमिक्स लेवल में सबसे मतलब बढ़िया काम किसी ने किया था वो भी आज से कम 2500 साल पहले, दैट इज आचार्य चाणक्य। उनको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्ता के नाम से भी जानते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य का
बेसिकली सलाहकार थे, उनको किंग भी बनाए थे। उसके बाद सम्राट अशोक का भी उन्होंने बहुत अच्छे तरह से हेल्प किया था और अपना इंडिया जो है, जो एक वन इंडिया जो कंसेप्ट है, उसको इकोनॉमिकली एक बहुत गजब लेवल, फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके ब्रह्मदेश तक नियर अबाउट एंड फ्रॉम कश्मीर से लेके एकदम कन्याकुमारी तक, ये जो पूरा इंडिया था उस टाइम पे, ये पूरा इंडिया बनाया था, वो भी प्रॉपर इकोनॉमिकल सोच के साथ। तो चलिए ठीक है, चाणक्य के बारे में हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा हम लोगों का जो यूरोपियन सिस्टम से जो भी है, एडम स्मिथ का क्या कहना है, ये भी बहुत फेमस इकोनॉमी है, इकोनॉमिस्ट है। इनके हिसाब से इकोनॉमी, जब से इन्होंने ये किताब लिखा, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। प्लीज ध्यान देना पॉइंट पे, इकोनॉमिक्स इज द इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस के साथ साथ एक किताब का नाम भी है। पब्लिश्ड इज मास्टरपीस इन 1776, इन्होंने ये अपना मास्टरपीस 1776 में पब्लिश किया, जिसमें एक बहुत गजब का, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। इसका मतलब एकदम सिंपल सा बात है कि ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी जिस तरह से बिल्ड होता है, चाहे कोई भी कंट्री हो, फ्रॉम यूएस से लेके जापान तक, जापान से लेके चाइना एंड इंडिया, कोई भी कंट्री का आप नाम ले लो, अफ्रीकन नेशंस का भी नाम ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट है उस कंट्री का नेचर। नेचर मतलब जो प्रकृति, हम लोग जिसको हिंदी में बोलते हैं नेचर, नेचर में क्या अवेलेबल है, हमारे पास है क्या, हम क्या बना सकते हैं उस नेचर से। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और इस बात को ख़त्म करते हैं। मैं आपको, आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मर्सिडीज एक बहुत फेमस कार है, अगर मैं बोलूँ कि मर्सिडीज कोई कार नहीं, एक मिट्टी है, आप मानोगे? मैक्सिमम तो ना ही करेंगे, लेकिन मैं अपने तरफ से जो भी बात है मैं बताना चाहता हूँ और आप मानने में, मतलब मान जाओगे, ये मेरा दावा है। मर्सिडीज जो है, अगर आप इसका एक एक छोटा छोटा पार्ट को लेके चले, मर्सिडीज सबसे पहला बात, मर्सिडीज को जिसको अगर हमारे सामने से एक मर्सिडीज बेंच आते हैं, तो सबसे पहले उसको देख के हमारे मन में वाह क्या क्या कार है। तो जैसे ही हमारे मुंह में ये सवाल निकलता है कि मर्सिडीज जो कार है, इसका जो ऊपर का ढांचा है, ये क्या गजब का है, मतलब ये जैसे ही हम लोग देखते हैं तो ये हम लोगों को एक बहुत बड़ा ख्याल रहता है कि भाई मेरे भाई होना चाहिए। लेकिन दूसरा पॉइंट, ये ढांचा जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बना कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टील से बना। स्टील कहाँ से बनता है? आयरन ओर से बनता है। आयरन ओर कहाँ मिलता है? माइंस में मिलता है, मिट्टी है, क्ले है। हाँ, अपने इंडिया में आयरन ओर वगैरह झारखंड वगैरह में मिलता है, दूसरे कंट्री में जर्मनी वगैरह में और मिलता है। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहला चीज़ जिसके बारे, मतलब जो पूरा एक स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प किया, दैट इज उस मर्सिडीज बेंच का जो स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को अट्रैक्ट किया, वो भी मिट्टी से बना, ये तो आप मानोगे ना। दूसरा बात, जो चक्का से ये चलता है टायर, हाँ, रबर से बनता है, और ये रबर का पेड़ होता है, म्यांमार वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, म्यांमार में मिलता है। तो ये रबर का जो एक वाइट कलर का एक होता है उसका, मतलब जो रबर पेड़ से निकलता है, उसको जमा के रबर का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो ये भी बिना पेड़ का, मिट्टी का पेड़ नहीं बन सकता। तो फिर से मैंने बताया कि मर्सिडीज बेंज मिट्टी से बना है, मतलब मर्सिडीज बेंज नहीं है, मिट्टी है। तो सिंपल बात है, चाहे आप टायर ले लो, चाहे आप स्ट्रक्चर ले लो, अगर आप शीशा को भी लोगे ना, वो भी कुछ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से, कुछ पत्थर और कुछ केमिकल फॉर्मेशन से उसका जो ग्लास है वो बनता है। सीड्स वगैरह जो है वो चमड़ा वगैरह से बनता है, जो लेदर से, गाय भैंस का जो लेदर से वहाँ से बनता है एनिमल्स के। तो ईच एंड एवरी पार्ट, ऑयल, पेट्रोल, डीजल जिससे कार चलता है, वो भी तो मिट्टी के नीचे से ही आता है। तो सिंपल पार्ट है, बात है कि ये जो भी है सब नेचर से है। तो ये पॉइंट पे फिर से ध्यान देना, इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। शायद मेरा बात बहुत लोगों को समझ में स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था कि मर्सिडीज बेंज मिट्टी है, लेकिन आप एक बार सोचो तो सही। मैं आपको जबरदस्ती समझाने का कोशिश नहीं करूंगा, जस्ट फील इट कि क्या सच में मर्सिडीज बेंज मिट्टी है? हाँ, मिट्टी है, वो पहले मिट्टी था उसका हर एक चीज, बाद में उसको मिट्टी से हम लोग धीरे 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 उसको एक स्ट्रक्चर में चेंज करके उसको मर्सिडीज बेंज बनाया। फिर वही मर्सिडीज बेंज जो एक बेसिकली, जैसे मर्सिडीज बेंज है ले लो, BMW ले लो, अपना इंडिया का, हिंदुस्तान मोटर का एम्बेसडर ले लो, वॉट एवर कार यू वॉन्ट टू टेक, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इकोनॉमी को कैसे बनाते हैं। जैसे अगर जर्मनी का बात करें, ये BMW मर्सिडीज बेंज वहीं का कार है, लेकिन ये लोग, ये सब, ये लोग का ये कार, ये लोग अलग अलग कंट्रीज में सेल करता है, अपनी कंट्री में सेल करता है, अपने कंट्री का जो इकोनॉमी है उसको एस्टैब्लिश करता है। तो इससे एक चीज़ पूरा प्रूव होता है एडम स्मिथ सर का ये जो कहना है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, जो पब्लिश किया था उन्होंने 1776 में। फिर और भी कुछ इकोनॉमिस्ट ने बताया था, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। साइंस विच डील्स विथ वेल्थ, साइंस इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है जो वेल्थ के बारे में डील करता है, JBC ने कहा। क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम,
वेल्थ क्रिएट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। जैसे करंट स्थिति में जिस तरह से वेल्थ का एक सबको एक डर लग रहा है, क्या होगा क्या होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तभी तो डर है। शायद ये सिचुएशन ना होता तो बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आता कि वेल्थ क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसके लिए इकोनॉमिक्स का स्टडी करना, उसको समझना, उसको जानना, उसको अंदर से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो पास हो ही जाओगे, लेकिन जिंदगी का जो ये खेल है इसको जीतने के लिए इकोनॉमिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व। करंट टेबल में जो सिचुएशन आ रहा है उसमें तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने वाले हैं। ऐसे तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रहता है, उसके साथ यूएस जैसे कंट्री को भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि वो लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली इंडिया जैसे कंट्री में भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक डर तो है, और ज़्यादा जॉब कट होगा और ज़्यादा ले ऑफ होगा। ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव वे में हम लोगों को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि ताकि कम से कम इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो और हम लोग इस प्रॉब्लम को जीते और फिर से एक डेवलप इकोनॉमी हम लोग बनाए, जैसे कि इमर्जिंग इकोनॉमी इंडिया बना था, वैसा इकोनॉमी फिर से इंडिया बने। अभी भी वो बनी है, बनाई है, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है उसमें पीछे तो हम लोग चले ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से आ पाए ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म कुछ दिया है, देखो सर, इग्नोर क्रिएशन ऑफ इमेटेरियल वेल्थ लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर्स। इकोनॉमिक्स कुछ मैटर्स को डील नहीं कर पाता प्रॉपरली, कुछ चीज़ इग्नोर कर लेता है, लाइक डॉक्टर का सर्विस, एक सीए का सर्विस, ये सब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। इग्नोर सोशल वेलफेयर, तो ये सब चीज़ पहले स्टार्टिंग में एडम स्मिथ ने अपने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए कि एक डॉक्टर जिस तरह से सबको ठीक रखते हैं उसमें इकोनॉमी समझ में नहीं आता था कि डॉक्टर किसी को ठीक करेगा, एक डॉक्टर अपना सर्विस देगा, अपना सेवा दान करेगा, उसमें इकोनॉमी से क्या लेना देना, बहुत लेना देना है ना। कि अगर जैसे कि आज जान है तो जहान है, प्लीज़ माइंड इट, जान है तो जान है जहान है, तो जान किसके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है। तो डॉक्टर जान बचाएंगे तब ना हम जहां बनाएंगे इंडिया को। एग्जैक्टली सीए, सीए है तो फिर इकोनॉमी का किरण है, मतलब उम्मीद पे दुनिया टिका है, और सीए के हाथ में पूरा तो बिजनेस का सोच पड़ा है सर। जो लोग सीए सीए यहाँ सीए का नाम लिया है, लेकिन सीएस ले लो, सीएमए ले लो, वॉट एवर अकाउंटिंग प्रोफेशन, कॉमर्स प्रोफेशन यू वांट टू टेक, सीए सीए सीएमए, इनको इनके बिना ये इकोनॉमी को बिल्डअप करेगा कौन, ये पॉलिसी फॉर्मेशन करेगा कौन, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन पहले एडम स्मिथ ये सब बारे में उतना ज़्यादा नहीं सोच पाए थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, वेल्थ क्रिएशन पे ध्यान तो दिया गया था, लेकिन सोशल वेलफेयर का क्या होगा इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये सब चीज़ बाद में जाके अनदर फेमस इकोनॉमिस्ट दैट इज अल्फ्रेड मर्सल सर, हाँ, इन्होंने इसके बारे में चर्चा किया और सोशल वेलफेयर में इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। देखो इनका डेफिनेशन भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आया, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ द मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग, दस इट इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर एन इम्पॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। दैट मीन्स वेल्थ तो क्रिएट करना है, लेकिन अगर उस वेल्थ से उस कंट्री का डेवलपमेंट ना हो, अगर उस वेल्थ से उस कंट्री मेन का डेवलपमेंट ना हो, तो फिर उस वेल्थ क्रिएशन का क्या मतलब, यही सवाल उठाया अल्फ्रेड मर्सल ने। मतलब क्योंकि एक सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स, तो ये एक बहुत गजब का सवाल है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जीडीपी, डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी, डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी, जिससे हम लोग सोचते हैं कि अपना कंट्री कितना वेल्दी बन रहा है। आप लोग समझना कि जैसे कि रिलायंस, रिलायंस टाटा जैसा, टाटा रिलायंस ये लोग बहुत बड़ा कंपनी है, ये लोग अपने बारे मतलब बहुत अच्छे से अपना कंपनी को बिल्डअप भी किए हैं और करना भी चाहिए, बहुत जॉब भी क्रिएट करते हैं। लेकिन जैसे ही जीडीपी का हम लोग देखते हैं कि जीडीपी डेवलप करता है, तो जीडीपी डेवलप करने के ऊपर अगर आप टाटा बिरला अंबानी जैसा कंपनी का शेयर देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें उनका डेवलपमेंट बहुत हुआ, लेकिन जीडीपी ग्रोथ में तो नेशंस का डेवलपमेंट देखा जाता है। तो नेशंस का डेवलपमेंट जैसे हम देख लें कि इंडिया 3.2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, तो लेकिन 3.2 ट्रिलियन डॉलर अगर आप एक एक इंडियंस को बांटो ना, हर कोई करोड़पति बनता है, लेकिन क्या रियल में हर एक इंडियन करोड़पति है? तो इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि वेल्थ तो क्रिएट हो रहा है इंडिया में, लेकिन क्या वो वेल्थ सब कोई कमा पा रहा है? हाँ सर, ऐसे सबको डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने से नहीं होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सबको अर्न करना पड़ेगा विद देयर एबिलिटी टू अर्न, मतलब ताकि वो कमा सके अपना इनकम, और वो जितना ज्यादा कर पाए उतना अच्छा। तो वेल्थ क्रिएट तो होगा, लेकिन उसमें सोशल वेलफेयर होना भी बहुत जरूरी है।
ओके नेक्स्ट पार्ट द रेंज ऑफ अवर इंक्वायरी बिकम्स रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर दैट कैन बी ब्रॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू रिलेशन विद द मेजरिंग रॉड ऑफ मनी. मतलब हर एक चीज हम लोग डेवलपमेंट करेंगे लेकिन मनी मेजरमेंट में उसको डालना बहुत जरूरी है, ये ACP गो का कहना है. ओके तो इस तरह से अल्फर्ड मर्सल सर, इनको थोड़ा ध्यान देना, एडम स्मिथ सर को थोड़ा ध्यान देना कि क्या कहा है इन्होंने. अनदर पर्सन, अनदर फेमस इकोनॉमिस्ट दैट इज रॉबिन्स, उनका कहना है कि साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, उनका कहना है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग है. हाउ? लियोनेल रॉबिन्स पब्लिश्ड इज फेमस बुक नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1931. बट अ मॉडर्न है ये इकोनॉमिस्ट एंड हिज डेफिनेशन इज इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज करते हैं एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स. दैट मीन्स एम्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज. जैसे हमारे पास अगर कुछ पैसा होता है तो उस मनी से हम क्या करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं या फिर एक अच्छा किताब पढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे. मैं ना तो अच्छा फूड खाना खाने को हम बुरा मान रहे हैं या फिर अच्छा किताब पढ़ना बहुत अच्छा बात है, ऐसा बात नहीं है. डिपेंड्स कि क्या जरूरी है. तो इकोनॉमिक्स ऑल्टरनेटिव यूज पे टिका हुआ है उनका. अगर आप पॉइंट्स देखोगे, इकोनॉमिक एक साइंस है बिकॉज इकोनॉमिक साइंस बिकॉज इट कंटेन्स सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन रिगार्ड टू ह्यूमन बिहेवियर टू ऑप्टिमाइज सर्टेन ऑब्जेक्टिव फंक्शंस अंडर गिवन कंस्ट्रेंट्स. हर एक के पास कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स है, कुछ ना कुछ बाधाएं हैं, लेकिन वो हर एक बाधा को क्रैक करके अपना जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, हर कोई एक विकारी से लेके अंबानी तक हर कोई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियसली वो साइंस ही हुआ ना. नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एम्स. एम रेफर्स टू वांट्स. द वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अनलिमिटेड. हम लोग कितना भी दे दो हम लोगों को कम पड़ जाता है, ये दे दो वो दे दो. हाँ जब कोई 10,000 कमाता था तो उसको लगता था कि बड़ा कम, जब कुछ नहीं कमाता था तो 10,000 बहुत था, जब 10,000 ना इसमें क्या होगा तब 20,000 भी कम लगना चालू हो जाता है. तो अनलिमिटेड है. इफ वन वांट्स टू सेटिस्फाइड अनदर वांट वुड क्रॉप अप. सिंस वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज विद विच दिस वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड आर लिमिटेड, ए चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन मोर अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट. यस, जो मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, हम लोगों को चॉइस तो करना पड़ेगा कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उससे हम पहले क्या करें, है ना. कि जैसे कि अगर हम लोग अपने स्टेट्स का अगर बात करें, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स का बात करें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेस्ट बंगाल एक 10 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन वाला हाईली कंजेस्टेड एक स्टेट है. इस स्टेट में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा है जो हम लोगों के टैक्स के थ्रू से GST के थ्रू से उनके पास पहुंचते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब एक सिंपल बात करो, एक बहुत ही गॉर्जियस पार्क इंपॉर्टेंट है या फिर एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट है, जरा सोचो. तो पैसा तो होता है और जिस तरह से पैसा अभी खर्चा हो रहा है, एक चीज तो प्रूफ है कि हम लोग अपना देश को हेल्थ सेक्टर से एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी अर्जेंट सिचुएशंस में जिस तरह से खर्चा कर रहा है दैट मींस गवर्नमेंट के पास पैसा तो है, बस अर्जेंट एंड लेस अर्जेंट में, मोर अर्जेंट और लेस अर्जेंट में थोड़ा फर्क करने का समय आ गया है. ओके तो रॉबिन्स का बात आई थिंक बहुत जोर का मायने रख रहा है इस पॉइंट पे, जरा सोचना. स्कार्स मीन्स, स्कार्स तो सबको समझ में आ रहा है. हाँ, US जैसे कंट्री के पास भी वो मलेरिया का जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं दवाई वो भी नहीं है, तो वो दवाई यूज़ करके वो लोग अपने वहाँ पर कोरोना डिजीज़ को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है. तो US के पास भी नहीं है, इंडिया के पास है सर. इंडिया 70% प्रोड्यूस करते हैं कि वो मलेरिया का जो दवाई है, आप लोग देखना पेपर्स वगैरह में, TV में बहुत ज़्यादा दिखा रहा है. तो स्कार्स US के पास भी है, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ स्कार्स हो ही सकता है. लेकिन ये स्कार्स सिचुएशंस में कौन किस तरह का बिहेव करता है, कौन सा कंट्री, कौन सा इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है, ये एक इंपॉर्टेंट है. द मींस ऑफ रिसोर्स नीडेड टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड और स्कार्स. द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज विद रेफरेंस टू द नीड्स. इफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स वेर अनलिमिटेड और नॉट स्कार्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वुड नॉट हैव एन अराइजन. अगर स्कार्सिटी नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या था. हाँ, अगर आपके पास बहुत पैसा होता, आपके पास बहुत खाने का चीज़ होता, आपके पास ढेर सारा हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेलेबल होता, आपके पास ढेर सारा किताबें पढ़ने का चीज़ अवेलेबल होता, तो किस चीज़ का प्रॉब्लम. हाँ, तो हर चीज़ का प्रॉब्लम वहीं चालू होता है ना जैसे ही उसका स्कार्सिटी चालू हो जाता है. ओके, इकोनॉमिक गुड्स आर कंसिडर्ड स्कार्स रिसोर्स बिकॉज दे डो नॉट एग्जिस्ट इन एडिक्वेट क्वान्टिटी. क्योंकि एडिक्वेटली नहीं होता, बहुत नहीं मिलता. हाँ, जितना है उसी से सबको चलाना पड़ता है, सब अपने अपने हैसियत के हिसाब से, सब अपने अपने हैसियत के हिसाब से
मार्केट से उसको इनकम करते हैं और फिर अपना सेटिस्फाई करते जो सोशल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं, है ना। तभी जाके ना इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम इतना बड़ा प्रॉब्लम है। एंड लास्ट पार्ट जिसके बारे में रॉबिन्स बहुत अच्छा बोला, दैट इज़ ऑल्टरनेटिव यूज़ और मीन्स और चॉइस। ऑल्टरनेटिव यूज़ और मीन्स और चॉइस, रिसोर्स आर नॉट ओनली स्कार्स और लिमिटेड बट दे आर ऑल्सो हैविंग ऑल्टरनेटिव यूज़। जैसे एक बहुत गजब का एग्जाम्पल दिया है, मनी कैन बी यूज टू बाई ए बुक और टू सी द मूवी। आप चाहे तो एक मूवी भी देख सकते हो और एक अच्छा किताब भी पढ़ सकते हो, आपके ऊपर आप क्या करोगे। ए सुइटेबल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस विल गाइड द चॉइस ऑफ राइट ऑल्टरनेटिव। मतलब कौन सा चीज़ आपको ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट देगा। अगर एक अच्छा मूवी आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में, तो एक मूवी भी इंसान का ज़िंदगी चेंज कर सकता है। और अगर वो मूवी ऐसा एज सच कोई मूवी नहीं है, तो उस जगह में तो मेरा मानना है कि एक अच्छा किताब इंसान को हमेशा अच्छा ही सिखाता है। द फंडामेंटल प्रीमाइस ऑफ इकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल टू चूज द ऑल्टरनेटिव फॉर विच दे बिलीव द नेट गेन टू बी ग्रेटेस्ट। ये इंसान को डिपेंड करता है कि उसका गेन सबसे ज़्यादा किस पे है, उसको उसी पे अपना रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए। लेकिन सर बाद में इतना अच्छा अच्छा पॉइंट बोलने के बाद भी रॉबिन्स को भी क्रिटिसाइज किया गया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 पे रॉबिन्स पे कहा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशनड। वेलफेयर में अलग अलग लेवल पे कहाँ कैसा वेलफेयर होना चाहिए, इस पे रॉबिन्स ने बात नहीं किया। द डेफिनेशन मेक्स इकोनॉमिक्स अ ह्यूमन साइंस इंस्टेड ऑफ सोशल साइंस। इसमें इकोनॉमिक्स में जो इन्होंने जो ह्यूमन साइंस पे बात किया, सोशल जहाँ सोशल साइंस पे बात करना चाहिए। डेफिनेशन इज नैरो एंड रिस्ट्रिक्टेड इन स्कोप, इट डज नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, अलग अलग क्रिटिसिज्म आया है बाद में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट से। सर क्रिटिसिज्म आना चाहिए, जिस इंसान के साथ क्रिटिसिज्म ना हो उसका डेवलपमेंट भी नहीं होता। और हर मैटर पे क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। हाँ, कोई कोई बोलेगा सर जबरदस्ती क्रिटिसिज्म, हाँ सर क्या दिक्कत है। अगर कोई, जैसे कि रतन टाटा का बहुत अच्छा कहना है कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंकता है, तुम उस पत्थर से ऐसा भी फील कर सकते हो कि मुझे पत्थर फेंक रहा है, इतना बुरा बात। लेकिन अगर आपके पास दम हो तो उस पत्थर से आप बिल्डिंग भी बिल्डअप कर सकते हो। तो इट्स डिपेंड, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट, साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, ये भी बहुत अच्छा है। इकोनॉमिक क्या है, साइंस ऑफ डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जस्ट सोचो कि अगर आप डायनामिक ग्रोथ एंड साइंस को समझ सकते हो, तो फिर आप भी अपना इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी, सोसाइटी की इकोनॉमी बना सकते हो, पॉल ए सैमुअलसन ने बोला। मेरे को ये सबसे बेस्ट लगता है सर। हाँ, आई थिंक मेरे हिसाब से द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू जैकब विनर, इकोनॉमिस्ट इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इकोनॉमिक्स वही है इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के साथ जो करते हैं, इकोनॉमिक्स वही है इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के साथ जो करते हैं। ओके, तो ये था सर अलग अलग इकोनॉमिस्ट का कहना इकोनॉमिक्स के बारे में। आप ज़रा सोचना पड़ते साथ, ये सब एग्जाम में पूछता है कि किसने क्या कहा, ट्रू फॉल्स में पूछता है अलग। ओके ओके, हम लोग पहुँच गए कि इकोनॉमिक्स का एक सेकेंड पार्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज इकोनॉमिक्स कितना तरह का होता है। इकोनॉमिक्स मेनली इकोनॉमिक्स दो तरह का होता है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। आप लोग देख ही रहे हो, हाँ, वन इज माइक्रो अनदर इज मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फार्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कॉमोडिटी। दस इट इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर यूनिट रादर देन ऑल द यूनिट्स कम्बाइंड। माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, स्टडी ऑफ ए फार्म। प्लीज ध्यान देना, किताबी बात तो बहुत टफ लगता है सर, लेकिन प्लीज इसको एकदम प्रैक्टिकली सोचना। आज के डेट पे जो सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में हम लोग क्या सोच सकते हैं। और वो सोच, अगर देखिए पहला तो थॉट आएगा ना, पहले आप सोचोगे फिर ना आप उस पर काम करोगे। तो सोचना कि ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जैसे कि हम लोग रोज, जैसे ये लॉकडाउन क्रिएट हुआ था, आप लोग थोड़ा ध्यान देना बात पे। जैसे लॉकडाउन क्रिएट हुआ था, क्या हुआ था, सब कोई लॉकडाउन से पहले जिसके पास जो था पैसा लेके दुकान के सामने जाके लाइन लगा के सब ग्रॉसरीज पूरा एकदम रातों रात ग्रॉसरीज गायब हो जा रहा था, है ना, रातों रात ग्रॉसरीज गायब। मतलब सब कोई क्या सोच रहा था, मार्केट में सप्लाई में दिक्कत होगा। सब कोई सोच रहा था मार्केट में सप्लाई में दिक्कत होगा, तो डिमांड बहुत ज़्यादा ही हाई हो गया था। तो ये सब जो बात मैं कर रहा हूँ, ये जो हुआ था, ये क्या है, ये कंज्यूमर बिहेवियर है। इट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। वो भी किस पे, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करके।
हाँ, तो ये स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर डिमांड यूनिट रादर देन ऑल यूनिट्स कम्बाइंड, एक एक जन का, एक एक एरिया का, एक एक सोसाइटी का, जब माइक्रो इकोनॉमिकल बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग मैटर को डिस्कशंस करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग सबको लगाना कि चीज़ों का दाम बढ़ सकता है आगे, क्यों? क्योंकि लेबर कम इंडस्ट्री में कम हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तो प्रोडक्शंस में कमती होगा, तो ऑटोमेटिकली जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग ज़्यादा पैसा देकर सामान को खरीदने का कोशिश करेगा, तो चीज़ों का दाम बढ़ेगा। और फैक्टर प्राइसिंग जो कि प्रोडक्शन का एक चैप्टर में डिटेल्स में हम लोग डिस्कशंस करेंगे, वो फैक्टर प्राइसिंग उसको बोलते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, चार तरह का फैक्टर प्राइसिंग होता है। लैंड, लैंड के बदले रेंट दिया जाता है, लेबर के बदले वेजेस दिया जाता है, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया जाता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बदले जो एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं उनको प्रॉफिट दिया जाता है। तो ये सब फैक्टर प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो मैं एक एक छोटा छोटा पार्ट पे बात कर रहा हूँ ना, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एक एक, जैसे कि एक पूरा, अगर पूरा इकोनॉमी को बोला जाता है एग्रीगेट इकोनॉमी या होल इकोनॉमी, पूरा इकोनॉमी के अंदर एक एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से एक पर्टिकुलर सोसाइटी को अगर बात किया जाए तो वो हो जाता है माइक्रो। जितना लेवल पे आप माइक्रो, माइक्रो में आप मतलब नैनो लेवल में भी पहुंच सकते हो, नैनो लेवल पे भी पहुंच सकते हो। नैनो में कैसे, जैसे कि पूरा इंडिया में अगर हम बात करें कि सिर्फ वेस्ट बंगाल में सिचुएशन क्या है, चलो वेस्ट बंगाल छोड़ो, हम लोग जहां रहते हैं, हाँ, कोई यहां पर हम लोग जैसे कि मैं किश्तपुर एरिया में रहता हूं, कोई दमदम एरिया में रहते हैं, कोई रूबी एरिया में रहते हैं, कोई टॉलीगंज एरिया में रहते हैं, अलग अलग एरिया है, तो हर एक एरिया में क्या सिचुएशन चल रहा है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिकल एनालिसिस ही होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल्स लेवल पे इकोनॉमी पे क्या चल रहा है वो समझना। ओके, नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ए फार्म, एक एक बिजनेस फार्म। हाँ, जैसे आज ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, आप लोग अगर इकोनॉमिक टाइम्स फॉलो करोगे, इकोनॉमिक ऑनलाइन पे भी देख सकते हो, कि गवर्नमेंट ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रियल हब्स में रजिस्टर्ड ज़ोन्स, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल में जो प्रोडक्शन का जो एक डिक्रीज आया था, इस पे गवर्नमेंट फिर से काम करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि लाइफ एंड लिवलीहुड दोनों पे फोकस होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जब मार्केट में नहीं आएगा तो मार्केट में दिक्कत हो जाएगा, और फार्म किस तरह से काम करेगा, इंडस्ट्री, फार्म मतलब इंडस्ट्री ना, वो कैसे काम करेगा ये भी तो सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका काम बंद होना मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी धीरे धीरे मुश्किल में आ जाएगा। तो किस तरह से लॉकडाउन स्थिति को बैलेंस रख के किया जाए वो गवर्नमेंट का देखना है सर, हम लोगों को अपना बस सेफ रहना है। ओके, स्टडी ऑफ ए फार्म, तो ये जो मैं एक एक मैटर पर डिस्कशन सभी आप लोगों के साथ किया, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट, आगे यही सब एक एक चैप्टर बना है सर। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जब हम बुक ये एक एक माइक्रो पार्ट को जोड़ दूँ तो मैक्रो बन जाएगा, एक एक माइक्रो पार्ट को जब मैं एग्रीगेट में जोड़ दूँ दैट इज कॉल्ड मैक्रो। अब मैक्रो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द ओवरऑल एवरेज एंड एग्रीगेट्स ऑफ द सिस्टम सच एज टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग्स, टोटल इन्वेस्टमेंट। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल फेनोमेना एज ए होल रादर देन इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक। वी स्टडी द नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, जनरल प्राइस लेवल, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं ना, नेशनल इनकम मतलब क्या, जीडीपी, जीएनपी, ये सब में बात चल रहा है। तो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट मतलब पूरा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल में क्या सिचुएशन होगा, क्या जॉब कट होगा, कितना लोगों को लिया जाएगा, जैसे करंट लेवल में जोमेटो, स्विगी, अमेजन वगैरह में और रिक्रूटमेंट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी में और लोग चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन पूरा का पूरा मतलब सिचुएशंस में काफ़ी प्रॉब्लम है लॉकडाउन के कारण, तो ऑनलाइन पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है लेकिन ऑफलाइन में एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो इस तरह का जो भी बिग लेवल में, इकोनॉमी लेवल में जो बात होता है ना, मतलब वो एक एक माइक्रो लेवल जब नेशनल लेवल में जाके एक एग्रीगेट बनता है तो वो हो जाता है मैक्रो। जनरल प्राइस लेवल, पूरा इकोनॉमी में हर एक चीज़ों का दाम बढ़ना, आप लोग देखोगे कि जब से ये सिचुएशंस चालू हुआ है तब से ही अपना जो भी प्राइम मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स है अलग अलग स्टेट्स का, वो लोग एकदम सामने जाके देख रहा है कि ताकि जनरल प्राइस लेवल में डेवलप मतलब ज़्यादा इंक्रीमेंट ना हो जाए, क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीमेंट मतलब इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीमेंट मतलब इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा, और इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा तो लोगों को दिक्कत हो जाएगा, लोगों का इनकम तो ऐसे ही नहीं है, और इनकम कहाँ से आएगा, ऊपर से चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा तो लोग गरीब हो जाएगा, मतलब जो रिच है वो मिडिल क्लास में शिफ्ट हो जाएगा ज़्यादा दिक्कत होने से, जो मिडिल क्लास है वो लोअर मिडिल क्लास हो जाएगा, लोअर मिडिल क्लास पोर हो जाएगा, और पोर तो बीपीएल हो जाएगा सर, बिलो पॉवर्टी लाइन में चला जाएगा। तो एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है तब जाके, और एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट रिसेंटली ये भी बोला कि एक्सपोर्ट पे इंडिया पूरा ध्यान दे रहा है, क्योंकि करेंट लेवल में अगर इंडिया का दो चीज़ है, अगर एक्सपोर्ट करके इंडिया एक अपना जो
करेंट सिचुएशन में यूरोपियन नेशंस या अमेरिकन नेशंस के साथ थोड़ा सा अपना जो पॉलिटिकल जो सिनारी है उसको ठीक रखे, क्योंकि ज़रूरत में अगर तुम किसी का काम आते हो तो वो भी तुम्हें याद रखते हैं, तो एक इंटरनेशनल जो एक कनेक्शन है वो बढ़ेगा और साथ में देश का थोड़ा सा मॉनेटरी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। ओके, तो ये था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डिफरेंस, बाकी यही सब आगे जाके हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ओके, डेफिनेशंस डिफरेंस देख लेना सर। ओके, अच्छा इस पर एक बात करना चाहिए था, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो में एक डिफरेंस, जैसे कि मैं एक क्लास में भी डिस्कशंस करता हूँ नॉर्मली, मैं एक सवाल रखता हूँ आप लोगों के सामने, अगर मैं आपको पूछूँ कि फेसबुक बंद हो गया, सर ऐसे तो लॉकडाउन है ऊपर से आप फेसबुक को बंद कर रहे हो, नहीं सर एग्जाम्पल है, मैं अगर बोलूँ कि फेसबुक बंद हो गया या फेसबुक लॉकडाउन हो गया, तो ये एक माइक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या मैक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, जरा सोचना, फेसबुक बंद होना एक माइक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या मैक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि फेसबुक एक बहुत बड़ा कंपनी है, वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एंड लार्जेस्ट सोशल नेटवर्किंग कंपनी है, लेकिन ध्यान देना बात पे, मैक्सिमम को ऐसा फील होता है, जितना मैंने अपना एक्सपीरियंस में देखा हूँ कि फेसबुक इतना बड़ा कंपनी बंद हो जाएगा ये प्रॉब्लम तो मैक्रो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, लेकिन ये क्वेश्चन पे फेसबुक में अगर अपना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो वो मैक्रो लेवल में डील कर सकते हैं उनको, लेकिन जब सवाल है कि फेसबुक लॉकडाउन हो जाना या लॉगआउट हो जाना ये मैक्रो नहीं है माइक्रो है, क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद होने वाले हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग एक कंप्लीट इंडस्ट्री है, उसके अंदर फेसबुक एक कंपनी है, तो यहाँ पर सोशल नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर फेसबुक एक माइक्रो पार्ट है, उसके अंदर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर जितना सारा और भी है, हाँ ये सब अलग अलग सोशल नेटवर्किंग है, अगर मैं बोलता सारा का सारा एग्रीगेट में बोलता तो मैक्रो, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल्स पे बात किया सिर्फ फेसबुक पे बात किया था ना, दैट मीन्स ये माइक्रो। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा कि कौन सा स्थिति में बात हो रहा है, मतलब किस कंटेक्स्ट में बात हो रहा है, उस पर हमको समझना पड़ेगा कि कौन माइक्रो है और कौन सा मैक्रो है। आई होप यू गेट इट। ओके, एक चीज देखा यहाँ नोट पे भी दिया हुआ, इट शुड बी नोटेड दैट माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब अपने अपने जगह में वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। ओके, अब कुछ फिलोसॉफिकल बात सर। फाइ सर फिलोसॉफिकल, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट और बोथ, इकोनॉमिक साइंस है आर्ट्स है या बोथ है, इसका जवाब तो मैं नॉर्मली एक अलग एग्जाम्पल से देता हूँ, फिर देख लेता हूँ यहाँ पर किताब में क्या बोला। It has cause and effect relationship, for example, law of demand. It is capable of measurement in terms of money. Economics एक science है, इनका कहना है पहला बात पे economics एक science है, क्यों? It has cause and effect relationship, for example, law of demand. It is capable of measurement in terms of money. It has its own methodology of study, induction and deduction. मतलब ये कुछ जोड़ता भी है कुछ छोड़ता भी है, एंड इट फोकस द फ्यूचर मार्केट कंडीशन विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो ये जितना सारा मेजरमेंट करना मनी के थ्रू से, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से इसको मेजर करना, ये जितना सारा बातें चल रहा है या जितना सारा बातें हो रहा है, मेरे हिसाब से ये साइंस के थ्रू से ही बात हो रहा है। बट इकोनॉमिक्स इज नॉट ए परफेक्ट साइंस, क्यों? इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म ओपिनियन अबाउट ए पर्टिकुलर इवेंट। जैसे साइंस किसी भी मैटर पे एक पर्टिकुलर मैटर पे बात करता है कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स कभी भी किसी भी मैटर पे ऐसा ही होगा नहीं बोल सकता। अगर इकोनॉमिक्स में ऑलवेज दूसरा तीसरा पहलू हो सकता है, अगर ये नहीं तो वो हो सकता है, वो नहीं तो तीसरा कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहे तो आप इकोनॉमी को रन कराओ, नॉर्मल करा दो, लॉकडाउन तोड़ दो, वो भी हो सकता है, और अगर आप चाहो तो लॉकडाउन में रख के लोगों का जान बचा के भी आप इकोनॉमी को बना सकते हो, मतलब आप लाइफ को भी चूज कर सकते हो, लिवलीहुड को भी चूज कर सकते हो, तो इट्स डिपेंड ऑन अस। इकोनॉमिक्स में अभी कभी भी कुछ भी पर्टिकुलर नहीं होता। तो साइंस आर्ट्स और कॉमर्स, इसका जो एग्जाम्पल्स मैं लेता हूँ, मैं अगर आपके सामने फिर से उसको एक बार दोहराता हूँ, दो मिनट के लिए जस्ट अंडरस्टैंड करना कि करेंट लेवल में होम डिलीवरी बिजनेस का बहुत ही डिमांड हो रहा है, तो जस्ट आप सोचो कि आपको भी फूड डिलीवरी बिजनेस पे आना है, क्योंकि फूड एक बहुत ही नेसेसिटी चीज़ें हैं, ग्रॉसरीज या फूड्स जो भी, तो आप उसका बिजनेस चालू करो। तो जैसे कि अगर मैं फूड का बात करूँ, जो खाना जैसे कि जोमेटो स्विगी जैसे देते हैं, अगर आप फूड डिलीवरी बिजनेस करना चाहोगे,
आप मानो कि अपने घर पे अपनी माँ को बोलो कि माँ आप खाना बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैं पूरा बिजनेस को मैनेज करता हूँ और पापा डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट का ये सब कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। तो तीनों तीनों के पास तीनों काम गया, माँ के पास कुछ काम गया, पापा के पास कुछ, आपके पास कुछ। आपने सोचा कि आप पूरा बिजनेस को मैनेज करोगे, पापा ने लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन को लिया और मतलब साथ में अकाउंट्स को भी देख लिया, और माँ ने पूरा का पूरा कुकिंग को ले लिया। जैसे अगर मैं कुकिंग का बात करूँ, कुकिंग एक साइंटिफिक मेथड है ना, कुकिंग एक ऑलवेज साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि कितना टेम्परेचर में खाना को पकाने से वो पकेगा, कितना नमक देने से, क्या देने से वो टेस्टी होगा। तो ये जो कुकिंग जो आग के थ्रू से जिस तरह से हम खाना को बनाते हैं, एक जमाना था जब इंसान कच्चा ही हर चीज़ खाता था लाइक जानवर की तरह, लेकिन आगे आगे इंसान थोड़ा एनिमल से इंसान बना, वो फिर उसको जला के खाना सीखा। पहले तो उसको मतलब आग जलाना भी नहीं आता था, फिर वो पत्थर का यूज़ करके आग जलाया। तो ऑब्वियसली ये जो एक धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो ये साइंटिफिक हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। उसके बाद इंसान पका के खाना सीखा, मतलब वो कुक करके खाना सीखा। तो वो कुक करके खाने को क्या कह सकते हैं हम लोग, कुक करके खाने को हम लोग बोलेंगे साइंस करना। अब उसके बाद माँ ने उस खाने को एक बहुत अच्छा जगह में एक बहुत अच्छे तरह से उसको, जैसे रोटी को एक अलग पैकेजिंग करके, चावल को एक अलग जगह में दे के, ऐसे तो नहीं करते ना कि चावल दाल सब्जी सबको एक जगह में दे के और डिलीवरी कर देते हैं। जो बंदा वो खाना खाने के लिए ऑर्डर किया था वो खाएगा ही नहीं, चाहे कितना भी आप टेस्टी बना लो। इसका मतलब वो जो गार्निशिंग पार्ट था माँ का, मतलब जिस तरह से माँ ने डेकोरेट किया था उस खाने को, इसमें आर्टिस्टिक मैटर था। कोई भी चीज़ आपको मार्केट में सेल करना है ना, उसका इकोनॉमी को डेवलपमेंट करना है, उसमें आर्टिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो साइंस उसको इनोवेट किया, जैसे खाना को इनोवेट किया साइंस ने, फिर उसमें जो चार चांद लगाया, दैट इज उसका जो डेकोरेशन पार्ट है, वो माँ ने फिर से उस पर डेकोरेशन करके उस पर एक आर्टिस्टिक टच दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे पापा ने उसको ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के थ्रू से पहुंचाया, और फिर उसका अकाउंट्स हिसाब वगैरह ये सब भी किया। और आप जो हो वो पूरा का पूरा चीज़ों को ऐप एंड वेबसाइट के थ्रू से, टेक्नोलॉजी के थ्रू से एंड मार्केटिंग के थ्रू से उसको यूज कर रहे हो। तो आप और पापा मिलकर इसको बेसिकली बिजनेस का जो कॉमर्शियल पार्ट है उसको देख रहे हो। तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों चीज़ मिला तब जाके इकोनॉमी बना। कोई किसी के बिना नहीं है। हम लोग नॉर्मली लेवल स्टूडेंट्स लेवल में सोचते हैं कि साइंस ज़्यादा अच्छा है, आर्ट्स तो थोड़ा ज़्यादा पीछे है, कॉमर्स तो बीच का है। ऐसा बात नहीं है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों चीज़ों को जोड़ो तो जाके चार चांद लगता है कोई भी इकोनॉमी में। तो हर एक मैटर को इम्पोर्टेंस ही देना आज से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फिर से अपने देश को, अपने सोसाइटी को एक न्यू लेवल से स्टार्ट करेंगे, तो ज़रा सोचना इस पर। ओके, तो ये आर्ट साइंस का जो कंसेप्ट है एक बार रीड करो, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस और ए नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स क्या पॉजिटिव साइंस है और क्या ये नॉर्मेटिव साइंस है, चलो देखते हैं पॉजिटिव नॉर्मेटिव पे क्या बात चल रहा है। पॉजिटिव साइंस, इट स्टेट्स व्हाट इज और इट मेक्स अ रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इट डज नॉट पास वैल्यू जजमेंट्स, एनीवन विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी मे यूज इट फॉर बाइंग लीकर एंड नॉट मिल्क। है ना, मतलब पॉजिटिव साइंस, प्लान्ड इकोनॉमी एलोकेट रिसोर्स भाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइसेस, ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवेरेनिटी, एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। मतलब एकदम सिंपल सा बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज है, हम उसको किस तरह से यूज़ करें, अपना वांट्स एंड एंड्स को हम कैसे यूज़ करें, इट्स फुल्ली हमारे ऊपर है। इसमें वैल्यू जजमेंट पास करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव वे में काम होता है, इकोनॉमिक्स एक अपना पॉजिटिव एंड में काम करता है कि किसी के पास पैसा है वो उससे लेकर भी खरीद सकता है, उसमें मिल्क भी बना सकता है, इट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ सिस्टम। है ना, अगर आप नॉर्मेटिव को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इट रिफर्स टू व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, और इट मेक्स एन असेसमेंट ऑफ एन एक्टिविटी एंड अदर्स एडवाइस, इट इज बेस्ड ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मार्शल एंड पिगो, कंप्लीट न्यूट्रलिटी बिटवीन एंड्स इज हाउएवर नाइदर फिजिबल नॉट डिजायरेबल, इट इज बिकॉज In many matters, the economist has to suggest measures for achieving certain socially desirable ends. It passes value judgments. Normative science में value judgment हो सकता है, मतलब किसी को लग सकता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन किसी को लग सकता है कि नहीं ये नहीं हो सकता। मतलब अगर हम positive में देखें कि कोई चाहे तो किसी का मन हो को लीकर खरीदे, जैसे अगर मैं दो मिनट के लिए सोचूं, अगर फिर से मैं अगर positive में बात करूँ, लीकर एंड मिल्क, कोई जैसे हमारे इंडिया में लीकर लेना मतलब दारू लेना सोशली हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन दूध लेने में, दूध पीने में अच्छा मानते हैं ना, क्योंकि अपने इंडिया में लीकर जैसा वेदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दारू पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा वेदर बड़ा ह्यूमिड है, हॉट है, इसमें
और हॉट होने का जरूरत नहीं है। लेकिन मिल्क जो है ये हमारे सेहत के लिए अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें हर तरह का प्रोटीन पुष्टि होते हैं। लेकिन अगर आप मानो कि आपको साइबेरिया जैसे कंट्री में छोड़ दिया जाए और आपको बोला जाए कि बस दूध पी के रहो, आप मर जाओगे, क्योंकि इतना ठंड में आपको मतलब गर्म होने का ज़रूरत है और उसमें आप लीकर का यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारे लिए सही था वो रशिया या साइबेरिया के लिए सही नहीं रहा, तो ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मेटिव क्या बता रहा है? नॉर्मेटिव का कहना है कि वो वैल्यू जजमेंट पास करेगा, उनका कहना होगा नहीं यही सही है, किसी का कहना होगा नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्सड इकोनॉमी, ये किसी का कहना है कि इनइक्वालिटी दूर करना मिक्सड इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। मिक्सड इकोनॉमी जैसे कि आप लोग, मैं आगे आगे बताऊंगा, इकोनॉमी मेनली तीन तरह का होता है, उसमें हम लोग मिक्सड, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चेंजिंग द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट इज अ बेटर वे ऑफ मैनेजिंग द इकोनॉमी देन यूजिंग टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब इंटरेस्ट रेट को चेंज करके हम लोग इकोनॉमी को चला सकते हैं, टैक्स या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का या कम करने का जरूरत नहीं है। मतलब अलग अलग सोच, कोई बोलता है हाँ इससे करो, कोई बोलता है हाँ उससे करो। नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, नॉर्मेटिव मतलब उसमें वैल्यू जजमेंट पास हो सकता है, और पॉजिटिव मतलब नो वैल्यू जजमेंट, जिसके लिए जो सही है वो करता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मेटिव आई होप कि क्लियर होगा आप लोगों को। ओके, नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव में ये बात था। अगर आप लोग नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव में और कुछ देखोगे, जैसे यहाँ पर कौन कौन नॉर्मेटिव में बात किया, कौन कौन पॉजिटिव में बात किया, जैसे एडम स्मिथ एंड रॉबिन्स नॉर्मली पॉजिटिव साइंस पे बात किया, लेकिन अपना डिस्कशंस किया, और अपना मार्सेल, पीगो, हिग्स, ये लोग नॉर्मेटिव में बात किए। एक्सप्रेस फोर्टीज एंड ये लोग बात किया व्हाट ऑट टू बी, इनका कहना है कि जो है वही है, इनका कहना है कि क्या हो सकता है, बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ फैक्ट्स, इनका कहना है कि नहीं एथिक्स क्या है, हर चीज़ में लॉजिक काम नहीं करता, कुछ एथिक्स भी होता है। डील्स विद एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन एंड हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, आइडियलिस्टिक सिचुएशन एंड हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, इनका कहना है कि एक्चुअल और रियलिस्टिक सिचुएशन में काम करना, इसका कहना है कि एक सिचुएशन आदर्श बनाना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन होता है और उसको क्रिएट करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इनका कहना है कि जो सिचुएशन होगा, जो रियलिटी में चल रहा है, उसी को मान के चलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं करंट सिचुएशन में बात करूं, अगर मार्सेल पीगो हिक्स होता तो उनका कहना होता कि चाइना ने जो किया ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये इकोनॉमी या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर मैं अभी इस टाइम पे रॉबिन्स या एडम स्मिथ को बोला, उनका कहना है कि जो हो गया हो गया, करंट सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, अपना वो लेबोरेटरी में कुछ भी कर रहा था, हो गया हो गया, लेकिन अभी रियलिस्टिक सिचुएशन में काम करना चाहिए। लेकिन इनका मानना क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाँ आइडियलिस्टिक सिचुएशन में बात करेगा। ओके, वैल्यू जजमेंट्स आर नॉट गिवन, बट ये लोग वैल्यू जजमेंट देते हैं। ओके, बस दो अलग अलग पहलू है, आप लोग अपने हिसाब से सोचो। मेरे हिसाब से मैं जितना बोल पा रहा हूं मैं बोल रहा हूं, और सोचोगे तो और कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने से निकल के आएगा। दस इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस, ये दोनों है, मतलब इस पे ज्यादा झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। आई होप झगड़ा का मतलब आप लोग समझते हो, दैट मीन्स बहसबाजी करना, जो भी हो। मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, चलो देखते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड इकोनॉमिक्स कैसे काम करते हैं। डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब एक बड़ा एग्रीगेट लेवल से एक छोटा छोटा माइक्रो लेवल में बात करना, जैसे मैं जैसे पूरा ग्लोबल इकोनॉमी, जैसे पूरा अगर इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी को बात देखा जाए तो टोटल जीडीपी से एक लोकल मार्केट का डिमांड सप्लाई तक पहुंचना, ये डिडक्टिव मेथड है। लेकिन एक लोकल मार्केट का डिमांड सप्लाई छोटा छोटा मार्केट का, लाइक केस्टोपुर, दमदम, कोलकाता, दिल्ली, अलग अलग शहर का डिमांड सप्लाई से पूरा देश का डिमांड सप्लाई सिचुएशन या जीडीपी सिचुएशन में पहुंचना, उसको इंडक्शन बोलेंगे। जोड़ के पर्टिकुलर 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 जोड़ के एक जनरल सिचुएशन में पहुंचना, आई होप क्लियर हो रहा है। ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना है, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का कहना है, ये सर्टेन अजम्पशंस पे बना है, ये कॉन्क्रीट फैक्ट से बना है, ये सुइटेबल है, मोर सुइटेबल व्हेन फैक्ट्स एंड डेटा आर नॉट अवेलेबल, ये सुइटेबल है जब फैक्ट्स एंड डेटा अवेलेबल। हाँ, मेरिट, इट इज सिंपल मेथड, इट लीड्स टू डेफिनेट एंड क्लियर कंक्लूजन, इट इज फ्री फ्रॉम बायस, इट इज हेल्पफुल इन कॉम्प्रिहेंडिंग इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स। बट यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉन दिस मेथड्स आर मोर रियल, पीपल अटेंशन इज पेड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इकोनॉमिक फीचर्स, इट इज अप्रोच इज डायनामिक, प्रिसाइज, एग्जैक्ट एंड मेजरेबल कंक्लूजन, आई होप कि क्लियर है। डिमिनिट्स क्या है, ये करेक्ट कंक्लूजन्स कैनॉट बी ड्रॉन फॉर वांट्स और रियल फैक्ट्स, स्कोप ऑफ इट्स एग्जामिनेशन इज लिमिटेड, इस तरह से आप लोग डिडक्शन इंडक्शंस को भी इजीली समझ सकते हो।
आज मैं बात करने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. क्या कहते हैं? सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, ये बेसिकली चार सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, कहीं कहीं तीन भी कहा जाता है, पर यहाँ पर हम लोग चार बोलेंगे. मेन जो तीन हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. हाँ, हर जैसे घर पे माँ खाना बनाते हैं ना, तो जैसे ही माँ खाना बनाते हैं तो माँ पूछते हैं पापा से, आज क्या बनाएं. हाँ, मतलब खाने में क्या लेना चाहते हैं. फिर बच्चा लोगों को भी पूछता है, तो बच्चा लोग भी बोलते हैं माँ मुझे ये चाहिए, पापा बोलते हैं हमें वो चाहिए. तो माँ जितना हो सकता है एक बैलेंस करने का कोशिश करते हैं. एग्जैक्टली जैसे घर में माँ अपने घर को चलाने का कोशिश करते हैं ना, अपना जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर सेंट्रल फूड प्रॉब्लम जो भी है उनको हैंडल करते हैं, सेम वे में हम लोग एक देश के लिए, मतलब अपना जो कंट्री है उसमें भी सेंट्रल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड इकोनॉमी विदाउट स्कार्सिटी इज नॉट फाउंड इन द रियल वर्ल्ड. ऐसा इकोनॉमी आपको मिलेगा ही नहीं जहाँ स्कार्सिटी नहीं है. ऐसा घर आपको मिलेगा ही नहीं जहाँ पैसा का कमती हो. हाँ, इवन अंबानी को भी पूछोगे ना, वो भी बोलेगा अभी तो न्यू प्रोजेक्ट में इतना पैसा डाला, अभी इतना पैसा कहाँ से आएगा. दे ऑल्सो गिव सम लॉजिक फ्रॉम देयर परस्पेक्टिव. ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद द स्कार्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. सो प्रॉब्लम ऑफ यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्स अराइज, दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इस स्थिति में, इस क्वेश्चंस में करना क्या चाहिए? व्हाट टू प्रोड्यूस. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी दीज गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड. कितना गुड्स प्रोड्यूस करना है और क्या गुड्स प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड कितना क्वांटिटी में, कितना चाहिए. जैसे घर पे माँ खाना बनाने के टाइम पे पूछते हैं ना कि हमें आज कितना चावल या रोटी बनाना चाहिए. हाँ, चावल बनाना चाहिए या रोटी बनाना चाहिए. अगर चावल बनाए तो कितना, अगर रोटी बनाए तो कितना. व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड सवाल माँ के मन में आ रहा है. आप माँ के साथ साथ ना देश में भी सोचो, जैसे देश क्या सोचेगा कि हम लोगों को एडुकेशन सेक्टर्स में या होटल या लग्जरी पार्क या होटल बनाने में ज्यादा खर्चा करना चाहिए, मतलब डेकोरेशंस में खर्चा करना चाहिए, या फिर हॉस्पिटल्स या स्कूल्स बनाने में ज्यादा खर्चा करना चाहिए. इसी मुद्दे पे रिसेंटली एक मैटर हुआ, आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ. मोदी जी जो अपना प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने करंट सिचुएशंस के साथ लड़ने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है, इस सिचुएशंस में लड़ने के लिए उनको बहुत लोगों का हेल्प भी चाहिए था. तो उन्होंने जो भी सीनियर पॉलिटिशियन है अपने कंट्री का, उनमें से मैं एक जिनका नाम जरूर लूंगा, दैट इज सोनिया गांधी. हाँ, जो कांग्रेस का चेयरपर्सन है. तो सोनिया गांधी जी से उन्होंने पूछा, ऐसे और भी लोगों से पूछा, तो पूछा कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कुछ 5 या 10 पॉइंट्स में बताइए हम लोग करंट स्थिति को किस तरह से, करंट सिचुएशन के साथ हम लोग लड़ सकते हैं. तो सोनिया गांधी जी ने एक 5 पॉइंट्स का एक लेटर सेंड किया मोदी जी को. वहां पर उन्होंने जो पॉइंट्स के बारे में ज्यादा फोकस किया, उनमें सबसे पहले उन्होंने बताया, पहले तो मोदी जी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया क्योंकि उन्होंने जो एमपी का सैलरी कट किया था उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया. सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला कि दिल्ली में जो ब्यूटिफिकेशन में खर्चा हो रहा है वो इमीडिएटली कम करना चाहिए. ध्यान देना, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब ब्यूटिफिकेशन करंट सिचुएशन के लिए एकदम ही अच्छा नहीं है. मेरे हिसाब से इंडिया में ब्यूटिफिकेशन बाद में हो जाना चाहिए, पहले तो जो नेसेसिटीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास सबके लिए जो जरूरी है उसके लिए ज्यादा खर्चा करना जरूरी है, जो अभी हो रहा है ना. अगर हम लोग पहले कर लेते तो शायद ये स्थिति जो प्रॉब्लम हो रहा है, ज्यादा टेस्ट करने का जगह नहीं है, बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, सोचना चाहिए ना. तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, हम लोगों को भी ऐसा गवर्नमेंट को लाना चाहिए हमेशा, कि जो सच में काम करे. कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जो सच में काम करेगा. तो जो भी हो, व्हाट टू प्रोड्यूस है, समझ रहे हो कि क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए. हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे करना चाहिए. अगर माँ पे बात करे कि माँ जैसे घर पे, हाउ टू प्रोड्यूस, चूल्हा पे करे, जैसे करंट सिचुएशन में गैस अगर ना मिले तो एक काम करते घर पे थोड़ा कोयला से कर लेते या फिर लकड़ी जला के कर लेते. हाउ टू प्रोड्यूस, लकड़ी जला के खाना बनाए या गैस जला के खाना बनाए. सेम टू सेम जैसे घर पे माँ ऐसे सोच सकते हैं, सिमिलरली इकोनॉमी में भी सोच सकते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल्स या रोड्स वगैरह तो बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे. दो टेक्निक है यहाँ पर, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक, अनदर इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव, अनदर इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट में काम
जल्दी करना चाहता है तो ऑब्वियसली अगर वो ज्यादा कैपिटल यूज कर ले तो ज्यादा मशीनरी यूज कर लेंगे, तो मशीनरी यूज कर से उनको क्या फायदा हो जाएगा, ज्यादा मशीनरी यूज करने से जो मशीन से वो जल्दी जल्दी काम को कर लेगा। लेकिन इंडिया जैसा इतना भीड़ वाला एक देश में, इतना ज्यादा पॉपुलेटेड एक देश में लोग तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो उसमें इंडिया को देखना चाहिए कि अगर हम हर जगह में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर ले तो लेबर तो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा और फिर हम लोग बोलेंगे कि इतना जॉब नहीं है, उतना जॉब नहीं है। तो इसमें इंडियन जैसे कंट्री को थोड़ा सा मिक्स लेवल में सोचना चाहिए कि थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और थोड़ा सा लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो ये इंडिया जैसे कंट्री के लिए है। लेकिन अमेरिका ऐसे थोड़ी ना सोचता है। अब लोग डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखना, वहाँ पर अमेरिका वगैरह में जो एग्रीकल्चर होते हैं वो एग्रीकल्चर लेवल में क्या करते हैं, वहाँ पर भी पूरा का पूरा मशीन ही पूरा का पूरा एक मतलब माइल्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एक मशीन से पूरा का पूरा काम कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर सब मैनुअल लेवल पे लोग जाके काम करते हैं। तो यूएस का अपना प्रॉब्लम, उसका अपना सॉल्यूशंस, इंडिया का अपना प्रॉब्लम, उसका अपना सॉल्यूशंस। तो कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके लिए करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस मीन्स हाउ द नेशनल प्रोडक्ट दैट इज नेशनल इनकम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द factors of production that help to produce it. That help to produce it, है ना? समझ रहे हो आप लोग? मतलब किस तरह से government level पे किसके लिए produce करना चाहिए? That is to be distributed among the factors of production that help to produce it. It is rent, wage, interest, profit, which determine the distribution of goods among the various individuals in the society. That means यहाँ पर और एक चीज क्लियर है कि हम लोग जिसके लिए भी प्रोड्यूस करेंगे उसमें प्रोड्यूस करने के टाइम पे लेबर के लिए जो हम लोग जो लैंड यूज करेंगे उस पर रेंट का ये मैटर होगा, वेजेस का। ये प्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स के बारे में। व्हिच डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग द वेरियस इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी। इट हैव टू डिसाइड अबाउट द शेयर ऑफ डिफरेंट पीपल इन द नेशनल गुड्स एंड सर्विस। ओके, तो मतलब किसके लिए करना है, मतलब जो भी प्रोडक्शंस होगा, जैसे ब्यूटिफिकेशन होगा तो किसके लिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए तो किसके लिए, तो ऑब्वियसली पब्लिक के लिए। कंट्री के बारे में बात किया जाए तो पब्लिक सबके ऊपर है ना। And last last part is what provision should be made for economic growth. मतलब सिर्फ growth आज नहीं करना है, आगे भी करना है। A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. It has to decide how much savings and investment should be made for the future progress. मतलब आज भी खाना है और कल भी खाना है, तो ऐसा तो नहीं ना कि पूरा का पूरा आज ही खा लो। Exactly, increase in the current level of consumption provides slower economic growth. अगर आज consumptions बढ़ा दे तो कल मुश्किल हो जाएगा इकोनॉमी को डेवलप करने में। इसलिए उसका बैलेंस बना के चलना चाहिए। ये अपना मिनिस्टर लेवल में लोग यही तो काम करते हैं कि कब कौन सा काम कितना करना चाहिए। तो इसलिए प्रोविजंस मेंटेन करके काम करना चाहिए, जैसे कि आप लोग अकाउंट्स में करते हो प्रोविजंस फॉर बैड डेट वगैरह, इसी तरह से हमें भी यहां पर प्रोविजन मेंटेन करना चाहिए इकोनॉमी में। आपको समझ में आया? हाँ, तो ये जो एक प्रॉब्लम था, ये सब प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना है। और ये जो प्रॉब्लम आगे अराइज होगा, जो सिचुएशन अभी करेंटली इंडिया में क्रिएट हुआ है, ये क्रिएशन के बाद ये प्रॉब्लम बहुत जोर का झटका देगा सर इकोनॉमी को। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज ए स्टूडेंट ऑफ सी ए, अब ये हम लोगों का जिम्मेदारी है कि हम लोग इस सिचुएशन में खुद भी लड़े और लोगों को लड़ने का साहस भी दे। किस तरह से पॉलिसी फॉर्म करके, किस तरह का सोच लगा के हम लोग एक एक छोटा छोटा लेवल में, एक एक फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करने का तरीका पता होगा तो हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों के साथ बात करेंगे पीपीसी रिलेटेड। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द डे।